हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना काल में बेहतर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात करती है, लेकिन अगर देश के पिछड़े 115 जिलों में शुमार जिला चंबा की बात की जाए तो यहां पर सरकार के वादे हवा हवाई होते दिख रहे हैं। पूरे देश में इस समय कोरोना काल का कहर है और राज्य सरकारें भी इसको देखते हुए अलर्ट पर हैं और प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। अगर कर्फ्यू के दौरान जिला चंबा की बात की जाए तो यहां भी सिर्फ 3 घंटे की ही छूट दी गई है, तो इसको देखते हुए लोग अपने गंतव्य से निजी वाहनों से अस्पतालों के लिए रुख करते हैं, ये सोच कर कि उनको अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन जब वो 80 किलोमीटर का सफर तय करके वे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो उन गरीब लोगों को एक महीने बाद की तारीख दी जाती है अल्ट्रासाउंड की। जब ये सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है। बुजुर्ग महिला के साथ आए परिजन का कहना है कि हम किहार के रहने वाले हैं और हमने किहार अस्पताल में 3 दिन तक इलाज करवाया, उसके बाद किहार अस्पताल से हमें चंबा रेफर किया है, लेकिन जब हम चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो अस्पताल वालों ने 1 महीने की तारीख दे दी। अगर 1 महीने बाद की तारीख देनी थी तो रेफर ही क्यों किया, क्योंकि हम तकरीबन 80 किलोमीटर तक का सफर तय करके आए हैं और 2000 निजी वाहन का किराया भी लगा है। अब हमें सरकार इसका जवाब दे कि इसका जिम्मेवार कौन है। सांस लेके आया मैं क्यार से और पेट में उसके प्रॉब्लम है, पीड़ है, जैसे बोल रहे कि पथरी टैप की है कि क्या कुछ है, नहीं तो एक्सरे के लिए बोला था, एक्सरे 1 महीने की डेट डाली है वहाँ पे। यहाँ पहले हम क्यार में गए, क्यार में हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे चेक कराए और उन्होंने 3 दिन के लिए दवाई दी है और बोला इनको खा लो थोड़े दिन और 3 दिन के बाद अगर नहीं होते ठीक तो चंबा में चले जाओ, चंबा में जाके अल्ट्रासाउंड करा लो और उसके बाद इसकी बीमारी का पता चलेगा कि कौन सी बीमारी या पथरी है या कुछ और है। इस चीज़ का हमारे पास यहाँ पे कोई प्रबंध नहीं है। तो चंबा में आ गए हम और चंबा में गाड़ी करके आ गए, 2000 गाड़ी वाले ने ले लिया हमारे से और यहाँ आके और अल्ट्रासाउंड के लिए हमने वहाँ पे लिख दिया अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ और अल्ट्रासाउंड के लिए गए हम तो उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद आओ, उसके बाद होगा अल्ट्रासाउंड, नहीं तो इससे आगे हम कैसे। अभी 1 महीने के बाद बता रहे और हमारा मरीज जो सीरियस होता जा रहा है और इसका कारण है कि वो मर भी सकते या कुछ भी हो सकता है, इसके जिम्मेदार जो है कौन हो पाएंगे इसके। हम घर इतने दूर से आए हुए यहाँ पे और इनका इलाज आज ही होना चाहिए और आज नहीं हो रहा है और कब होगा इसका इलाज, क्योंकि हमारे जो मरीज है वो तो सीरियस होते जा रही है, जो होना चाहिए आज ही होना चाहिए और हो जाए तो अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर एक युवक का कहना है, मैं राजपुरा से आया हूँ और मुझे पेशाब में ब्लड आ रहा था, डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा तो मैं पर्ची लेकर काउंटर पर गया तो मुझे भी 1 महीने की डेट दे दी। ठीक है, मैं राजपुरा से आया था, मेरे को यूरिन में ब्लड आ रहा था, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने ओपीडी में चेक करवाया, वहाँ पे मेरे को अल्ट्रासाउंड लिखा गया और अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने मेरे को भेजा कि जाओ आप डेट लेके आओ। मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरे को 1 महीने बाद की डेट दी कि आप 1 महीने बाद आके अल्ट्रासाउंड करवाना। तो जी मैं बड़ा परेशान था, बैठा हुआ था, तो उसके बाद एक उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, अल्ट्रासाउंड की उन्होंने मेरे को 1 महीने के बाद की डेट दी है। देखिए जी मैं बहुत अभी परेशान हूँ, बहुत दर्द में हूँ, तो अब मैं 1 महीने बाद अगर अल्ट्रासाउंड यहाँ पे करवाऊँगा तो उसका क्या इलाज होगा और मैं कब दवाई ले पाऊँगा, इस बीच अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। तो मैं प्रशासन से और ये हॉस्पिटल वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड की मशीन को बढ़वाइए या कुछ भी कीजिए, मतलब अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, 1 दिन नहीं तो 2 दिन के अंदर तो एटलीस्ट होने चाहिए। अब मैं आज आया हूँ और ये मेरे को 12 तारीख 6 महीने की डेट दे रहे हैं, तो बताइए अब मैं क्या करूँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चंबा से सलीम मोहम्मद की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।